माता की जय। एक मेरा ये मीडिया मैन है, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। रमन तुम टेंशन नहीं लेना, मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं सब तुम्हारी मूवी देखेंगे। हाँ, और ये सब भी देखेंगे क्योंकि सबको तुम्हारे साथ हमदर्दी है, ऐसा मैंने सबका फेस देखा है। सब देखेंगे, and you are free to ask any questions. Bas personal number mat mangna, baki sab mang sakte. Anybody has a question? Yeah, I heard you say something. All right. Yeah. Yes, Nana, tell me. What? Yes. So tell us the experience and how you feel. Well, experience was amazing because it's my first debut. मेरा पहला सबसे बड़ा project है. And I've been in Mumbai for quite some time and I'm really obliged and thank you to Raman that he believed in me and gave me this opportunity कि मैं कुछ that too I've been casted as a lead. So playing Abhishek Kapoor was quite a challenge for me. Because my personality is totally and entirely different from what Abhishek is. So I underwent for some workshops and everything. At the end of the web series, मेरी ये हालत हो गई थी कि I was so much into the character and everything, I was behaving very immature. So Raman ने मुझे डांट के भाई तू अभिषेक से बाहर आ जा, अमर महेश्वरी बन जा. So that's how it is. That it's a comic web series और इसका it's with a lot of motive. And in the end, it is actually a message to all the parents that
अपने बच्चों से खुल के बात करें, सोसाइटी प्रेशर के कारण बहुत लोग खुल नहीं पाते हैं. सो इट्स अ वेरी यूथ बेस्ड कॉमिक वेब सीरीज एंड और जाने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी. सो इट वॉज अमेजिंग एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माई फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स, एवरीवन फॉर मेकिंग इट फॉर मी और नाटक एंटरटेनमेंट फॉर रमन एंड माई को एक्टर्स. थैंक यू सो मच. वाली है अपने रोल इसके बारे में बताइए, किस तरीके का किरदार आपने? मैं एक माँ हूँ और रमन हांडा मेरा बेटा है, और बेटे के नाते उसने मुझे रिक्वेस्ट की है कि माँ मेरी आज मूवी का मुहूर्त है तो आप ब्लेसिंग देने के लिए आइए. सो मैं उसकी रिक्वेस्ट पे आई हूँ ब्लेसिंग देने. इस वेब सीरीज में पहली बार आप एक्टिंग करने वाली है, कुछ इस बारे में बताइए, कितने तैयारियाँ की आपने इसके लिए? मैंने एक्टिंग नहीं की उसमें. एक जैसे रमन आता है मेरे पास अपनी टीम को लेके, तो वहाँ पर मेरा छोटा सा एक शॉर्ट्स है जिसमें रमन आता है टीम को लेके, तो वहाँ मैं ब्लेसिंग देती हूँ उसको. मार्गदर्शक की तरह रमन आप क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर ब्लेसिंग देने आए हैं? जी, देवी माँ जी की ब्लेसिंग हम लोग को मिली है, इससे बड़ा तो हम कुछ और एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते. आज हमारा जिंदगी में जीवन में उद्धार हो गया क्योंकि देवी माँ जी खुद अपने चरण यहाँ पर डाल रही हैं. और ये फिल्म जिसका नाम ही राधे माँ है, राधे माँ का एक्चुअल मतलब ही है राधे माँ. राधे माँ के जरिए राधे माँ सब अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं, अपने बच्चे हैं, उन सबको राह दिखाने जा रही हैं. ये सिर्फ आजकल गुरु सिर्फ ओल्ड लोगों के लिए नहीं होता है, ये यूथ गुरु हैं, ये रियल एग्जांपल ऑफ मॉडर्न गुरु हैं जो प्रैक्टिकल होना सिखाती है आपको. आज की 21st सेंचुरी में जहाँ हम लोग इतने बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारी सोच भी उस तरह बढ़ रही. तो हम मॉडर्न होने को सिर्फ धक्यानुसी होकर सिर्फ लोगों की चुगलियाँ करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, प्रेशर पीयर प्रेशर बनाते हैं लोगों के ऊपर, सोशल प्रेशर बनाते हैं जिसके लिए काफ़ी सारे सुसाइड कमिट होते हैं, लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं, अपने आप से लोग भागते हैं. तो उन सबको अगर मिलना है तो राह दे माँ रास्ता दिखाने का काम करती हैं, जहां आपको बहुत प्रैक्टिकल छोटे छोटे सोल्यूशंस देती हैं, और उन सोल्यूशंस को अगर आप अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो आपकी लाइफ बहुत सरल और इजी हो जाती है, और सक्सेस ये तो आपसे दूर भाग ही नहीं सकती. 2 साल पहले माँ जी से, देवी माँ जी से जुड़ा. जब मैं देवी माँ जी से जुड़ा तो मैंने देवी माँ जी के बारे में बहुत सारे परसेप्शंस थे मेरे दिमाग में, जैसे सब लोगों के होते हैं. बट जब देवी माँ जी से मिला तो मेरा तो एक तरह का वो परसेप्शन टूट सा गया, और मुझे लगा देवी माँ जी इनको तो लोग जानते ही नहीं हैं, लोग इनके बारे में जो बात करते हैं वो एक्चुअली में इनको जानते ही नहीं हैं और इसी के लिए बात करते हैं. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जैसे कि आप मीडिया लोग हैं, आप पूरा टैग ले लगा के क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं, पर वो क्वेश्चन मार्क किसी की ज़िंदगी पे अफेक्ट कर सकता है. एक लोगों के मन में एक परसेप्शन बना देता है, एक पिक्चर ऐसी बना देता है, तो रियल नहीं होती है. बट हम उतनी कोशिश भी नहीं करते कि हम उस इंसान को जान पाएँ. तो मेरा छोटा सा एक ये प्यार था माँ जी के लिए कि जो मैं चाहता था कि मैं पूरी दुनिया को रियल राधे माँ से मिलूँ, वो जान पाएँ कि राधे माँ जी की जो ब्लेसिंग है, जो उनकी टीचिंग्स हैं, वो कितनी प्रैक्टिकल और कितनी सरल हैं. और राधे माँ ये गुड़िया माँ हैं, ये तो इतनी भोली हैं कि इनको दुनियादारी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो ये किसी को क्या मैनिपुलेट करेंगी. और इसी तरह ये सरलता से जीने का ज्ञान देती हैं, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रियल राधे माँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रियल मॉडर्न इंडिया का. आज अगर इंडिया में राधे माँ जैसे सेंट्स हैं, ये हमारा सौभाग्य है. हे तो आपने वो शायद वो गाना सुना होगा, है रीत जहाँ की है क्या ऐसा वो गाना है, रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ. तो हमारे भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब साईं आए तो उन पर पत्थर बरसाए गए, राम आए तो उन पर पत्थर बरसाए गए, कृष्णा हुए तो उन पर आरोप लगाए गए. तो राधे माँ तो सिर्फ सेंट हैं, इन पर आरोप लगना तो लाजमी है क्योंकि ये तो हमारे यहाँ की रीत है, वो कैसे बदल सकती है. तो क्यों ना आज हम सब मिलकर यूथ ये स्टैंड ले और ये रीत को आज बदल दे. राधे माँ रियल माँ है, राधे माँ कोई भगवान नहीं है. वो नहीं कहती मैं भगवान हूँ, वो मैसेंजर ऑफ गॉड है. वो इस राधे माँ से मैसेंजर ऑफ गॉड भी नहीं हूँ, मैं बस टीचर हूँ, मैं सीखने वाली हूँ. मैं हर रोज एक सीखती हूँ बात, जो मैं सीखती हूँ वो मैं दूसरों को सिखाती हूँ, और मैं ह्यूमैनिटी को मानती हूँ. मैं मैसेंजर भी नहीं हूँ, मैं रोज़ एक नई बात सीखती हूँ, जो मैं सीखती हूँ वो मैं दूसरों को भी सिखाती हूँ कि ऐसे करो. ओके मैम, क्या जानना चाहेंगे राधे राधे इसके बारे में, किस तरीके से जुड़ी है? I'm Dr. Meenakshi Bhanushali and I'm in this web series as an associate producer. मैं रमन की बहुत पुरानी दोस्त भी हूँ. It's like I was attached to Tata Consultancy Services in a clinical research field, but everyone has that creative kida. So it was in me. So then I decided that I have to move to a media. And Raman, he's my a friend, a brother and a guide. He guided me a lot and now I am with him as an associate producer.
तो जब पहली बार आपको ये सुनाया गया इस कॉन्सेप्ट के बारे में, क्या रिएक्शन था और कैसे एग्री हुए हैं आप? और एक्चुअली पहले ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था एज अ लाइन से, इट्स लाइक इट वाज नो कास्टिंग नो काउच ओनली आउच. On this tagline, we started thinking about this concept, and then the whole idea developed. When then Radhima heard this, she also liked it because this is concept about the self-awareness, about the humanity. People are very scared of public, like लोग क्या कहेंगे. मेरा कहना इतना ही है कि लोगों को लोग क्या कहेंगे इससे ज़्यादा उनको इस चीज़ से डर लगना चाहिए कि अब अल्लाह भगवान गॉड क्या कहेगा. आप कुछ भी काम करते हो तो आपका डर अल्लाह की तरफ, भगवान की तरफ, गॉड की तरफ रहना चाहिए, नहीं कि सोसाइटी की तरफ. और जैसे कि आपने कहा डॉक्टर हैं एंड अब आप फिल्मों से जुड़ी हैं, तो मतलब क्या चीज़ ज़्यादा टफ कौन सी है आप एज अ पर्सन? दोनों फील्ड एकदम डिफरेंट है. इट्स अ वाइड डिफरेंस बिटवीन द टू फील्ड्स, बट इट्स अबाउट योर पैशन. आपके लिए कोई भी फील्ड ईजी हो जाती है इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट दैट थिंग. सो मेरे लिए डॉक्टर बनना भी एक पैशन था जो मैंने मेरा पैशन पूरा किया. आई प्रैक्टिस ऑल्सो एंड नाउ आई एम इन टू दिस मीडिया बिकॉज यू आई सेट क्रिएटिव कीड़ा.